नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो पहुंचाने आई हूँ आप तक, वह पहुंचे सीधे आप तक। मित्रों, आज फिर लेकर आई हूँ रिलेशनशिप को जोड़ने वाली एक बात, फिर से एक ऐसा वशीकरण जो खराब से खराब संबंधों को भी सुधारते, मधुर बनाते। रिश्ता चाहे कितना ही खराब क्यों ना हो, स्थिति परिस्थिति चाहे कितनी भी क्यों ना बिगड़ गई हो, वह फिर से सवर जाएगा, फिर से सुधर जाएगा और सब कुछ होगा आपके नियंत्रण में, आपके कंट्रोल में। रिलेशनशिप है तो वो बनती भी है और बिगड़ती भी है। जब रिश्ता बिगड़ने लगे तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब बात नहीं बन सकती। केवल जानकारी के अभाव में बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं। प्रथम आप प्रयास कीजिए कि रिश्ता ना टूटे। झुकना पड़े तो थोड़ा झुकिए, टूटना पड़े तो आप खुद टूट जाइए, परंतु अपने रिश्ते को टूटने ना दें। और दूसरा ज्योतिषीय उपाय, आपके परिश्रम में आपके अटेम्प्ट को और सुशोभित करता है ज्योतिषीय उपाय। मैं थोड़ा सा जीरे का प्रयोग लेकर आई हूँ। जीरा वशीकरण शास्त्र में एक अद्भुत चीज़। कई ऐसे वशीकरण हैं जिसमें लोगों को आकर्षित किया जाता है, चाहे धन हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई रिश्ता ही क्यों ना हो। जीरे का प्रयोग शुरू से ज्योतिष शास्त्र में और वशीकरण शास्त्र में किया जाता है। थोड़ा सा जीरा यहाँ रख देने मात्र से खराब संबंध भी सुधरने लगता है, बनने लगता है। यदि प्रेमी बात ही नहीं सुनता है आपकी, कहने को प्रेमी है परंतु शत्रु के समान कार्य कर रहा है। एक तो आपके नाम के साथ उसका नाम खुल गया है समाज में, आप दोनों के रिश्ते बाहर हो गए हैं, जाहिर हो गए हैं, और अब यदि वह विवाह से इनकार कर रहा है, नहीं सुन रहा आपकी, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि बात करे तब तो बात बने, उसने तो ब्लॉक कर दिया है आपको, छोड़ने की भी बात कह रहा है, आपको दूसरा जीवन साथी चुनने की बात कह रहा है। यदि परिस्थिति इतनी बिगड़ गई है तब भी जीरे का यह दिव्य प्रयोग आप आसानी से कीजिए, अपने घर पे कीजिए और देखिए कैसे भाग कर आता है आपके पास। पति रूठ गया हो, दूर चला गया हो, छोड़कर चला गया हो, या पूरी तरह से आपको अपने जीवन से छोड़ने की बात ठान ली है उसने, आप करें अपने घर में यह प्रयोग। भाग कर आएगा, अपने किए की माफ़ी मांगेगा, करेगा गुलामी तुम्हारी उम्र भर। बस एक तुम्हारे द्वारा किया गया छोटा सा दिव्य प्रयोग। जीरा अद्भुत चीज़ है, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, परंतु यदि आकर्षित करना तुम्हें आता हो, सही जानकारी, सही मंत्रों की जानकारी और प्रक्रिया सही हो, तो तुम्हें थोड़े से जीरे से किसी को अपने जीवन में वापस ला सकती हो या ला सकते हो। संपूर्ण वीडियो को ध्यान से सुनो, देखो, स्किप मत करना, पूरी जानकारी आपके लिए भी बेहतर है और आपके अपनों के लिए भी। बात रिश्ते को बचाने की है तो 5-7 मिनट निकालकर ही वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से, जुड़िए मेरे परिवार से। कभी कभी ऐसा होता है मित्रों कि आपका पार्टनर आपके पास है ही नहीं, वह दूर देश बसा है और केवल आपकी वजह से वह इस घर में, इस देश में, शहर में नहीं आना चाहता। अर्थात रिश्ते में जब कड़वाहट बहुत अधिक बढ़ जाए तब भी यह दिव्य प्रयोग रिश्तों में मिठास ला देती है पहले जैसी। यदि उसने आपके फ़ोन को ब्लॉक कर दिया है तो वो सामने से अनब्लॉक करेगा। यदि वो बात नहीं करना चाहता आपसे तो दिन रात आप ही से बात करने को तड़पेगा। यदि वो पास नहीं आना चाहता आपका तो अब आपके पास आने को तड़पेगा। ऐसा अद्भुत है, दिव्य है, चमत्कारिक है ये प्रयोग। खराब से खराब, बिगड़ते से बिगड़ते संबंध को भी यह क्षण भर में सुधार देता है, पल भर में उसे ठीक कर देता है। आइए मित्रों, ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं इस वशीकरण को और तब प्रयोग करते हैं जीरे का ये अद्भुत दिव्य प्रयोग। प्रयोग आपको दिन के समय करना है, अर्थात सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही कर लेनी है। यह प्रयोग आप सोमवार, बुधवार या गुरुवार, इन 3 दिनों में कोई भी दिन का चुनाव कर सकते हैं। भूलकर भी शनिवार के दिन आपको यह प्रयोग नहीं करना है। यह आपके प्रेम को आकर्षित करने के लिए है, आपके पार्टनर को आकर्षित करने के लिए है, तो शनिवार को इसका प्रयोग नहीं करना है आपको। आपको लेना किन सामग्रियों को है, ध्यान से प्रथम यह सुन ले। आपको सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी या पीढ़ा लेना है जिस पर आपको बैठना है, अर्थात आपको आसन पर नहीं बैठना है, लकड़ी पर बैठना है। तो लकड़ी की बैठने की जो भी चीज़ हो आप अपने घर में, उसे धोकर
प्रयोग कर सकते हैं। बैठने की जो दिशा होगी वह आपकी उत्तर की दिशा होगी। उत्तर की ओर चेहरा करके छत पर आप बैठ सकते हैं, आंगन में आप बैठ सकते हैं, खुले में अपने कॉरिडोर में भी बैठ सकते हैं। एक स्टील की थाली ले लें, बड़ी सी प्लेट ले लें, किचन से ले लें, धोकर उसे स्वच्छ करके। आपको 99 दाने जीरे के लेने हैं, जीरे को गिनकर आप ले लें 99 दाने, और 9-9 करके आप 11 भाग में इसे बांट लें, छोटा छोटा सा ढेर बना दें 9-9 जीरे का। इसीलिए मैंने कहा कि एक स्टील की बड़ी थाली ले लें। इस थाली पर आप 11 जगह पर 9-9 जीरे का एक ढेर बनाकर रख लें। आपको सामने किसी पात्र में थोड़ा सा जल रख लेना है, कटोरी हो, ग्लास हो, किसी भी पात्र का बना हो, वो शीशे का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, आप थोड़ा सा स्वच्छ जल रख लें। सबसे प्रथम आप आंखें बंद करें और अपने पार्टनर को बहुत गहरे याद करें, उसकी ऐसी अनुभूति लें कि मानो वह भी सामने एक आसन लगा कर बैठा हो, मुस्कुरा रहा है। भले बरसों से आप उससे नहीं मिले हों, प्रेमी प्रेमिका की बात करें तो 2 वर्ष पहले भी यदि उसने छोड़ दिया है आपको, आपको उसका चेहरा तो याद होगा। आंखें बंद करें, उसके नाम और उसके चेहरे को बार बार याद करें, अपने मस्तिष्क में लाने का प्रयास करें, अपनी आँखों के सामने लाने का प्रयास करें। यदि वह दिखने लगा, बिल्कुल स्वच्छ आपको दिखाई देने लगा, आपको लगे कि बिल्कुल वो मेरे पास है, तब आप एक जीरे के ढेर को यानी 9 दाने जीरे को अपने दाहिने हाथ के हाथ में लें, अपने हृदय से ऐसी मुट्ठी को लगाएं और एक मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र को बोलें, एक बार ही बोलें, श्री अमुक ओम प्रेमाय वश्यम, श्री अमुक ओम प्रेमाय वश्यम। एक बार आपको बोलना है मात्र, इस जीरे को जल में डाल दें, पुनः दूसरी ढेर को उठाएं, फिर आप इस मंत्र को बोलें, फिर डाल दें जल में। ऐसे करके 11 बार आप 9-9 जीरे उठाएंगे और इस तरह से आप 11 बार इस मंत्र का जप भी कर लेंगे। इतने मंत्र को जप करने के बाद इस संपूर्ण जीरे को आप जल में डाल दें और जल में अपनी 3rd नंबर वाली उंगली डुबाएं। 5 उंगलियों में से जो सबसे मध्यमा उंगली होती है इसे डुबाएं और 11 बार अपने पार्टनर का नाम लें और यह थोड़ा सा जल अपने ऊपर छीट लें। बस मित्रों, आपको इतना ही करना है, समस्त जल को उठाकर किसी भी बड़े वृक्ष में, जो भी बहुत बड़ा पेड़ हो आपके घर के आसपास, जो भी पेड़ हो परंतु बड़ा वृक्ष हो, पौधा ना हो, उसकी जड़ में आप इसे डाल दें। उठ सकते हैं आप, लकड़ी की पेढ़े को हटा दें, खुद पर थोड़ा जल छीट लें और जल पी लें। यह अनुभूति कराएगा उस व्यक्ति को जिसके नाम से जीरे को अभी मंत्रित किया है आपने, भाग कर आएगा वो आपके पास। दोषी होगा यदि वो आपके साथ गलत किया होगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, प्रेम करता होगा अब भी तो स्वीकार करेगा आपके प्रेम को, आपके जीवन में फिर से आएगी बहार, आपके जीवन में लौट कर आएगा आपका प्यार, अवश्य करें, 100% सफलता मिलेगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।